नमस्कार किसान भाइयों आज अपने चर्चा करेंगे अनार के पौधे में आने वाले बहुत ही एक खतरनाक इंसेक्ट के बारे में जिसका अगर एक बार खेत में आक्रमण हो जाता है तो इसका कंट्रोल करना किसानों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है गित बीते हुए सालों में देखा गया है कि अनार के पौधे में एक जो समस्या हर साल आती है और किसानों को बहुत बड़ा लॉस कर जाती है जिस हम जी हाँ अपने बात कर रहे हैं थ्रिप्स की थ्रिप्स की अनार के पौधे में बहुत भयंकर समस्या रहती है क्योंकि जो थ्रिप्स है वो आपके अनार का जो फल होता है उसकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा डाउन कर देता है और जो मेन पैसा किसानों को मिलता है जिससे प्रॉफिट होता है वो अनार की क्वालिटी ही होती है अगर अपने शुरू से इसका कंट्रोल नहीं करते हैं तो थ्रिप्स की बहुत सारी समस्या आ जाती है बहुत ज़्यादा समस्या समस्या आ जाती है खेत में जिससे का जो नुकसान है वो किसानों को लश्ट में दिखता है जब वो अनार की तुड़ाई करते हैं तो सबसे पहले अपनी चर्चा ये करेंगे कि थ्रिप्स आने से फार्मर को क्या नुकसान होता है और आगे अपने चर्चा करेंगे कि इसका कंट्रोल अपने कैसे करें जिससे कि थ्रिप्स कम से कम आए अगर आए भी तो खेत में और इससे आपको नुकसान भी कम से कम उठाना पड़े तो चलो वीडियो शुरू करते हैं अपने तो सभी किसान भाइयों से गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को अदर किसानों के साथ भी शेयर कर सकते हैं सबसे पहले चर्चा ये करते हैं कि थ्रिप्स का अटैक होता कब है तो किसान भाइयों थ्रिप्स का अटैक के लिए कोई मतलब स्पेसिफिक टाइम नहीं है थ्रिप्स का अटैक कभी भी हो सकता है क्योंकि ये मौसम पे डिपेंड करता है अगर मौसम सही रहता है हवा चलती रहती है और बादलवाई नहीं आती है आसमान में तो पौधे पे तनाव कम आता है और समस्याएं भी कम आती हैं जब थोड़ी आदरत आ जाती है मौसम में तो कीटों का आक्रमण बढ़ जाता है तो थ्रिप्स का अटैक शुरू में भी होता है जब फूल आ रहे होते हैं फूल आ रहे होते हैं तब क्या नुकसान रहता है अगर फूल आते टाइम थ्रिप्स का अटैक हो जाता है खेत में तो पहली समस्या ये रहती है कि पौधों में पोलिनेशन की जो समस्या रह जाती है पोलिनेशन कम होता है क्योंकि थ्रिप्स आने से यह फूलों के जो डंठल है उसको कमज़ोर बना देता है जिससे क्या है फूल जड़ने की समस्या बनी रहती है और इससे फ्लोरिंग ड्रॉप बहुत ज़्यादा होती है थ्रिप्स के कारण और थ्रिप्स का दूसरा नुकसान ये है अगर फूल फूल से फल बनता है तो उसमें निशान रह जाता है मतलब काले रंग का निशान रह जाता है दारियाँ बन जाती है फूल में सॉरी फल में दारियाँ बन जाती हैं और इसका नुकसान आगे देखने को मिलता है जब जब फ्रूट बड़ा होने लगता है ना तो उसमें दारियों के कारण अनार में फटने की समस्या आ जाती है क्योंकि शुरू में ये थ्रिप्स आने के कारण इसकी फल की त्वचा को ये कमज़ोर बना देते हैं और अगली समस्या ये रहती है कि थ्रिप्स आ जाने के कारण पौधा तनाव में आ जाता है क्योंकि थ्रिप्स आने से थ्रिप्स जो पत्तियाँ जो फूल होते हैं उनका रस चूसना शुरू कर देती हैं और इसके कारण पौधा जैविक तनाव में आ जाता है जैविक तनाव का मतलब है कोई भी इंसेक्ट जब खेत में आक्रमण करता है तो पौधा तनाव में आ जाने के कारण ग्रोथ करना छोड़ देता है और उस पर जितने फूल होते हैं वो जड़ना शुरू हो जाते हैं तो किसान भाइयों थ्रिप्स का कंट्रोल कैसे करें तो किसान भाई इसमें अपने को दो बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है पहली बात ये कि अपने को थ्रिप्स का कंट्रोल भी करना है और दूसरी बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि फ्लोरिंग टाइम पे जब फूल आना शुरू होते हैं तभी थ्रिप्स का भी अटैक होता है और उस टाइम मधुमक्खियाँ भी आ रही होती हैं तो अपने को दोनों को बातों को साथ ले चलना है चिप्स का भी कंट्रोल करना है और दूसरा मधुमक्खियों का भी ध्यान रखना है क्योंकि इस टाइम अगर अपने कोई ऐसी स्प्रे कर देते हैं जिससे कि मधुमक्खियाँ या तो मर जाती हैं या उसकी बदबू के कारण वो नहीं आती हैं तो इससे अपना डबल नुकसान होता है क्योंकि एक तो अपने पोलिनेशन नहीं होगा पोलिनेशन नहीं होगा तो अपने फल से फूल फूल से फल नहीं बनेगा और दूसरा अगर समय पर पोलिनेशन नहीं होता है तो फूल ड्रॉप होना नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं तो दोनों बातों का विशेष ध्यान रखना है अगर आपके खेत में फ्लोरिंग के टाइम फूल आते समय अगर थ्रिप्स का अटैक है तो किसान भाई ऐसी स्प्रे का प्रयोग करें या तो वो जैविक हो और या फिर कम जहरीली हो या उनकी बदबू कम हो क्योंकि अगर आप इस टम इस समय कोई ऐसा टेक्निकल कर देते हैं जिससे कि मधुमक्खियाँ प्रभावित होती हैं तो आपको काफ़ी सारा लॉस हो सकता है तो किसान भाई फ्लोरिंग के टाइम ऐसी स्प्रे का प्रयोग करें जिससे कि मधुमक्खियों का खेत में आना कम ना हो और पोलिनेशन हो जाने के बाद अगर आप चाहें तो कोई आ टेक्निकल कर सकते हैं क्योंकि उस समय मधुमक्खियाँ का कोई काम नहीं रहता है पोलिनेशन के बाद अगर फूल से फल बन गया है तो उस समय आप कोई भारी टेक्निकल कर सकते हैं उससे पहले आपको ऐसी टेक्निकल का प्रयोग नहीं करना है जिससे कि मधुमक्खियाँ आपके खेत में आए ही ना क्योंकि आपने थ्रिप्स को मारने के चक्करों में मधुमक्खी भी साथ में मार देते हैं तो इससे किसान का डबल नुकसान हो जाता है और दूसरी इस बात का विशेष ध्यान रखना है अगर आपने कोई थ्रिप्स की स्प्रे कर दी है तो उसी स्प्रे को आपको दूसरी बार नहीं करना है सेम स्प्रे आपको दो बार खेत में नहीं करनी है नहीं करने का मेन कारण ये है अगर अपने वही स्प्रे दूसरी बार भी कर देते हैं तो पहली बार तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है बट अपने दूसरी बार उसी सेम स्प्रे का प्रयोग कर देते हैं तो इससे किसान भाइयों के पैसे भी खर्च हो जाते हैं और उसका कोई फायदा भी नहीं होता है और सिर्फ की संख्या ज़्यादा और बढ़ती है इसलिए हर बार जब आप स्प्रे करें तो थ्रिप्स की अलग अलग टेक्निकल का प्रयोग करें सेम टेक्निकल कतः नहीं करना है किसान भाइयों को इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा सेम स्प्रे आप कभी नहीं मत करिए दो सेम स्प्रे इसी बात इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है जो भी डोज किसान को दुकानदार या कंपनी द्वारा बताई जाती है थ्रिप्स के लिए जो डोज रिकमेंट है उससे ना कम और ना ही ज़्यादा डोज का प्रयोग करें क्योंकि अगर आप ज़्यादा डोज़ का प्रयोग करते हैं तो इससे थ्रिप्स कंट्रोल शायद हो भी जाए बट जब आप अगली स्प्रे का प्रयोग करेंगे तो उससे आपको डोज थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि उस डोज तक तो वो थ्रिप्स ने पहले सहन कर लिया था अगर उसमें से कुछ थ्रिप बच बच जाती हैं तो उस उतनी डोज से वो ख़त्म नहीं होती है तो किसान भाइयों को इन सब बातों को ध्यान में रख कर चलना है उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का